सो हेलो पीपल, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पे। आज मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो मैं सोच रहा था कि बहुत जल्दी से कुछ बन जाए, कुछ अच्छा बने जो कि न्यूट्रिशियस भी हो और मेरा पेट भी भरा रहे। तो मैंने फिर सोचा कि ब्लिंकिट से क्यों ना मैं ब्रोकली मंगाता हूँ। ब्रोकली तो बहुत टेस्टी वेजिटेबल होता है, तो आप लोग भी देखिए, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो आप लोग अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये रहा हमारा ब्रोकली जो कि आज हम बनाएंगे, छोटा सा क्यूट ब्रोकली। तो देखते हैं कैसे बनता है। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस तरह से तोड़ लेना है और ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा काट के छोटा कर देना है। तो हमारा ब्रोकली कट के तैयार। पानी ऐड करेंगे और इसको ढक देंगे ताकि जल्दी से उबल जाए। पानी हमारा उबल गया, अच्छे से उबल गया। अब इसमें हम लोग ब्रोकली ऐड कर लेंगे। देखिए कितना शानदार लग रहा है। ब्रोकली ऐड कर दिया और इसमें डाल दिया नमक। By the way, आपने मेरा डब्बे का कलेक्शन देखा? मैंने रिसेंटली अपने उस आइसक्रीम के डब्बे में सामान रखता था उसकी जगह पे मैंने कुछ खरीदा है। Let me show you. उससे पहले इसको ढक देते हैं। तो ये देखिए, अभी यार वो आइसक्रीम के डब्बे में मैं सामान नहीं रखता, मसाले नहीं रखता। मेरे पास डेडिकेटेड डब्बे हैं जो कि दिखते भी अच्छे हैं और मेरा काम भी इजी हो जाता है। और एक ये भी लिया मैंने गरम मसाला कूटने के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी मैं फ्रेशली ग्राउंडेड स्पाइसेस ही खाता हूँ, तो जब तक ये ब्रोकली मेरा बॉईल होता है मैं यहाँ पे थोड़े से ब्लैक पेपर ग्राउंड कर लेता हूँ। तो ऐसा है, एक हाथ में कैमरा लेके तो मैं ग्राउंड नहीं कर सकता था, आप लोग दूर से देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है। तो इधर हम देखते हैं हमारा ब्रोकली कहाँ तक पहुंचा है। इतना वाइब्रेंट ग्रीन है, तो अभी कुक हो रही है, इसको ढक देते हैं। ब्रोकली ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, देखिए आराम से चला जा रहा है। तो अभी पानी को स्टेन कर लेंगे और अभी ब्रोकली को अलग से बाहर निकाल देंगे। ब्रोकली को एक अलग से क्रेट में निकाल के रख लिए। अभी थोड़ा सा बटर डालेंगे, थोड़ी चीनी डाल लेंगे तो उसमें बटर जल नहीं सकता है। कलर कितना शानदार है। अभी इस पे हम अपना जो ब्लैक पेपर हमने कूट के रखा है इसको डाल देंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल खाना है, इसमें मैंने सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर दिया और कुछ भी नहीं है, और बटर भी मैंने जो दिया था वो अनसॉल्टेड बटर था। एक ही मसाला है मार्केट में आया है, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, देखिए ये मैगी चिकन मसाला है जो कि क्यूब में आता है, चंक में आता है, नाम ही है मैजिक क्यूब। तो ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा टेस्ट एनहांस करने के लिए। ये देखिए किस तरह का दिखने में होता है। ये हमारा रेडी हो चुका है, देखिए तो प्लेट में सर्व कर लेते हैं।
बहुत अच्छे से कुक हुआ है। प्लेट फुल ऑफ हेल्दी नाश्ता, अच्छे से कुक हुआ है। अच्छा हुआ, देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा है जल गया, बट एक्चुअली मसाला है। एक्चुअली बोल रहे हो, कैसा लगा ये मेरा रेसिपी? सिर्फ 3 मसाले दिए, नमक, ब्लैक पेपर एंड मैगी मसाला। ब्रोकली पहले थोड़ा सा उबाल लो, फिर स्टर फ्राई करके खा लो। न्यूट्रिशियस है, पेट भी फुल रहेगा, इट्स अ फील गुड फैक्टर फॉर यू। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं और मुझे बताना कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।